तो यही है वो निधिवन जहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण जी अपनी गोपियाँ और राधा के साथ रासलीला करते हैं। सब घर मकानों में बंसी पायल घुंघरू की सारी रात बिंदा माने तुलसी बन माने जंगल, ये सारा वृंदावन तुलसी का जंगल। इरादे रोज बनते हैं बन के बिगड़ जाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें वृंदावन बिहारी बुलाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निधिवन का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बांके बिहारी की ओर दर्शन के लिए। और अब हम जा रहे हैं निधिवन की ओर, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद यानी रात के समय कृष्ण जी राधा और गोपियाँ यहाँ पे रासलीला करते हैं यानी नाच गान करते हैं। तो निधिवन की यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। अरे वाह, भीड़ देखो, भीड़ देखिए, प्रवेश द्वार की भीड़ देखो। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं निधिवन के अंदर, और निधिवन जहाँ पे कहा जाता है कि कृष्ण जी अपनी गोपियाँ और राधा के साथ रासलीला करते हैं मतलब नाचते गाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शाम होने के बाद यहाँ के बंदर अपने आप यहाँ से चले जाते हैं, शाम को यहाँ की एंट्री बंद कर दी जाती है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे शाम को कृष्ण जी राधा और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, इस वजह से यहाँ पे शाम को एंट्री बंद कर दी जाती है। दोस्तों पहले ना ये नहीं लगा हुआ था, ये बाद में लगाए क्योंकि इन बंदरों की वजह से ये लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही छीना छुट्टी करने लग गए थे तो शायद इस वजह से ये लगाया। कह रहे ज़्यादातर मथुरा के गुंडे दिखाते हैं दोस्तों, ये है हमारे मथुरा के गुंडे। और यह है निधिवन का ललिता कुंड, जिसको कहा जाता है कि जब कृष्ण जी और राधा और गोपियाँ रास लचाया करते थे तो एक बार ललिता उनकी जो दोस्त थी उनको प्यास लग गई थी, तो उन सबकी प्यास को मिटाने के लिए उन्होंने कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से गड्ढा करके यहाँ से पानी निकाला था। जैसे कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थी, वैसे यहाँ के पेड़ पौधे भी 16,108 से भी ज़्यादा हैं। के बाद गोपी कृष्ण बन के भगवान के संग आज भी रास करते हैं। इन सब घर मकानों में बंसी पायल घुंघरू की सारी रात दबा जाती है, जो यहाँ रुकता है उसकी समाधि बन जाती है। निधिवन में राधिका नाची रहे, गिरधर की मुरलिया बाजी रहे, सारे पेड़ जोड़े से हैं, 16,108 है, सबकी डालियाँ सूखी हुई है, फिर भी राधा रानी का चमत्कार देख लो, सारे पत्ते हरे हैं। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे, सारे पेड़ मिट्टी को प्रणाम कर रहे हैं, चित्रकूट की राम राज वृंदावन की धूल ये उड़े, मस्तक लगे पाप होए सब दूर, राधा रानी की वृंदावन का तीन नाम है, पहला वृंदावन, बिंदा माने तुलसी, वन माने जंगल, ये सारा वृंदावन तुलसी का जंगल है। अगर 2-3 फुट गड्ढा खोदेंगे क्या मिलेगा, तुलसी की जड़ या उनके पति सालीग्राम। प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन का दूसरा नाम है गोलोक धाम, यहाँ पे मरने वाले का पिंड दान श्राद्ध दान 13वीं कुछ नहीं होता है, बैकुंठ वास होता है। और तीसरा नाम है मनोकामना पूर्ण होने का तीर्थ, आज भी 10 लाख भक्त आते हैं जिनकी चमत्कार से भगवान श्री कृष्ण के घर में मनोकामना पूरी होती है। बांके बिहारी वृंदावन बिहारी जमीन से निकले हैं, किसी कारीगर ने नहीं बनाया, या बाबा स्वामी श्री हरिदास ने 12.5 साल भजन करने के बाद सपना आया, हम दोनों भाई नीचे विराजमान तब भजन से निकाला है। रात को मूर्ति सिंहासन से गायब हो जाती है, इरादे रोज बनते हैं बन के बिगड़ जाते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें वृंदावन बिहारी बुलाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निधिवन का दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बांके बिहारी की ओर दर्शन के लिए। यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है बांके बिहारी लाल मंदिर के सामने, और इसी दोस्तों सॉरी हम बांके बिहारी का बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, मतलब सांस भी नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा भीड़ और ऊपर से मंदिर बंद हो गया। दोस्तों वृंदा क्या कहते हैं बांके बिहारी का तो दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन हमारी हालत जरूर ऐसी हो गई, धक्के बहुत खाए हैं, बट कोई बात नहीं, कभी फिर आएंगे तो आपको दर्शन कराएंगे, तब तक हम किसी और जगह चलते हैं।
हमने सुना था कि वृंदावन के ज्यादातर मंदिर 12:30 बजे के बाद बंद होते हैं, लेकिन हम 11 बजे के आसपास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, वृंदावन में जब भी आप आओगे तो आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि फोन को छुपा के रख लो, वरना ऐसे बंदर आपका कुछ भी फोन वोन कुछ भी चुरा सकते हैं। तब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, वो भी हमारे प्रेम मंदिर से बहुत ही पास है, तो अब इस्कॉन टेम्पल चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की उस जगह में जहाँ पे हमने ज्यादातर रील्स वीडियो में या फिर यूट्यूब में सारे लोगों को नाचते हुए देखा होगा। तो यही है वो मंदिर जहाँ पे ज्यादातर लोग आपको नाचते गाते हुए दिखेंगे, राधा कृष्ण नाम जपते हुए। और चले चलते हैं अंदर।